गुड मॉर्निंग निर्भयता, ये वो शक्ति है जो पहाड़ जैसी परिस्थिति को पार कर देती है। डर एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हमारे मन को अपाहिज बना देती है। हमारे सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो जाती है। जब हम डरते हैं तो सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। डर के कारण हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो बिना डर के जीना सीखें। डर ये क्या है? जब हम कुछ गलत करते हैं तभी हम डरते हैं। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरने की जरूरत नहीं। जिसका दिल सच्चा वे मन खुशी से नाचता है। हमारी आंखें ये तब झुकती हैं जब हमने कुछ गलत किया हो। जीवन में चाहे बाहर की सफलता कम दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सही होगा तो डर का कुछ भी अंश हमारे अंदर नहीं होगा। डर अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, जैसे बाहर जब प्रकृति में तूफान आता है तो कभी कभी हम डर जाते हैं, और एक सेफ इमारत के अंदर भी हम डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर प्रकृति शांत होती है तो समझ आता है कि हम तो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हम इस सेफ इमारत में थे। तो ऐसे ही ये तूफान सब बाहर आते हैं। परिस्थितियों के तूफान ये सब बाहर आते हैं जो हमें डराते हैं। इसका कारण हमारे व्यर्थ संकल्प होते हैं, जो हमने अपनी सोच बनाई है उसको आज से रुकेंगे और धीरे धीरे चेंज करेंगे, और व्यर्थ संकल्पों की जगह समर्थ पॉजिटिव संकल्पों की रचना रचनी शुरू करेंगे। कल क्या होगा, इन सब प्रश्नों से पार, बस इनसे आज हम पार हो जाएंगे। आज से जिएंगे और अपने भय के संकल्पों को अपने से बात करके अपने अंदर अपने मन में झांकेंगे और अपने को शक्तिशाली संकल्प देंगे जो हमारे डर को मिटाते जाएंगे। अपने आप को शक्तिशाली संकल्पों की इमारत में रखेंगे और हम सेफ होते जाएंगे, निर्भय होते जाएंगे, और इस निर्भयता को एक शक्ति के समान अपने जीवन में लाएंगे और हर प्रकार के तूफानों से पार होते जाएंगे। ओम शांति।